दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी मृत्यु अचानक हुई है। इन कलाकारों ने अपने सफल अभिनय करियर के दौरान करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी, जो मरने के बाद अपने परिजनों के लिए छोड़ गए। आज इस लेख में हम आपको ऐसे ही बॉलीवुड के 5 सितारों के बारे में बता रहे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और मौत के बाद ये सितारे अपने। पहली है दिव्या भारती। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रही दिव्या भारती की मृत्यु काफी कम उम्र में हो गई थी। जब दिव्या भारती की मृत्यु हुई थी तब वह बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक मौत के बाद दिव्या भारती अपने परिवार के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ कर गयी थी। मौत के बाद ये सितारे अपनी सारी संपत्ति अपने परिजनों के लिए छोड़ गयी। दूसरी है श्रीदेवी। हिंदी सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार श्रीदेवी की मृत्यु दुबई के एक होटल में बाथ टब में डूब जाने की वजह से हुई थी। श्रीदेवी का अभिनय करियर बॉलीवुड में शानदार रहा। वह मृत्यु के बाद अपने पति और 2 बेटियों के लिए लगभग 247 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गई थी। तीसरी है सौंदर्या। अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सूर्यवंशम में नजर आ चुकी अभिनेत्री सौंदर्या की मृत्यु साल 2004 में हुई थी। कहा जाता है कि सौंदर्या अपने पीछे लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गई है। चौथी है जिया खान। बॉलीवुड फिल्मों में जिया खान बड़ी तेजी से सफलता हासिल कर रही थी। जिया खान की शादी भी नहीं हुई थी। प्रेमी से मिले धोखे के कारण जिया ने दुनिया को अलविदा कहने का फैसला लिया और सुसाइड कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिया खान लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए अपने पीछे छोड़ गई हैं। पांचवी है सीमा लागू। अभिनेत्री सीमा लागू का निधन साल 2017 में हुआ था। सीमा लागू ने अपने लंबे करियर के दौरान एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था। सूत्रों के मुताबिक सीमा लागू अपनी मौत के बाद अपने परिवार के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए छोड़ गई हैं। दोस्तों, आपको इन 5 अभिनेत्रियों में से सबसे ज्यादा कौन सी अभिनेत्री पसंद है, आप उस अभिनेत्री का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।